हेलो फ्रेंड्स, डीके एवरीथिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं गुजराती कढ़ी की रेसिपी, जो कि फ्लेवर में बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर है इसका, खट्टा मीठा तीखा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या लेना है। इसके लिए हमें लेना है 2 बड़े चम्मच बेसन, 1 बड़ा कटोरी लेना है दही, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट लेना है। इसमें मैंने 4 ग्रीन चिली और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसका मैंने पेस्ट तैयार किया है। तड़के के लिए लेना है खड़ी लाल मिर्च, और खड़े मसाले में लेना है लौंग, दालचीनी और राई जीरा लेना है, नमक लेना है स्वाद अनुसार, और 1 छोटी चम्मच लेना है चीनी। चलिए सबसे पहले कढ़ी का बैटर तैयार कर लेते हैं। बेसन में हम डाल देंगे नमक, इसमें हम डाल देंगे अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम दही डालकर बैटर तैयार करेंगे, थोड़ा थोड़ा दही ऐड करके बैटर तैयार करेंगे इसका। इसमें मैंने 1 कटोरी पूरा दही ऐड कर दिया है, बाकी हम पानी ऐड करेंगे और इसका पतला बैटर तैयार कर लेंगे। मैं 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। चलिए अब कढ़ाई में तेल ले लेते हैं। कढ़ाई मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है, तेल गर्म हो गया है। इसमें हम तड़का लगाते हैं राई जीरा, खड़ी लाल मिर्च, दालचीनी और लौंग का। इसमें आप करी पत्ता भी डाल सकते हैं, अभी फिलहाल मेरे पास करी पत्ता नहीं है, करी पत्ता इसमें ज़रूर डालें। ये देखिए जीरा ब्राउन हो गया है, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बैटर। इसमें हम 2 गिलास पानी और ऐड करेंगे। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 10-15 मिनट पकाना है अच्छे से। ये देखिए कढ़ी 10 मिनट से अच्छे से पक रही है और ये अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे शुगर और इसे 5 मिनट लो फ्लेम पर और पकाएंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अब कढ़ी पूरी तरह से पक गई है, अब ये रेडी है। हम गैस बंद कर देंगे और इसे आप सर्व करें गर्मा गर्म चपाती के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, चावल के साथ, और चाहे तो आप ऐसे भी इसका मज़ा ले सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर करें, कमेंट करें, और नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें।